उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदारों से अधिक था। कहने लगा, सिंधिया सिंधिया आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफी सारे बनवा लिए, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने का जी करेगा मैं ले जाया करूँगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की मतलब कुछ भी न रखने की जगह थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई, बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, अरे गेरे नत्थू खेरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा, उसने सिर हिला दिया, वह भाप रहा था। अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी हो गए। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर बैठे थे। खुश होकर फ्रिज खोल कर दिया, फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत खराब हो गई। कैलाश ने ऊपर नीचे झाँका, दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? भाभी जी ने बताया, अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा? ऐसी चीजें तो पेट में पहुंचनी चाहिए, कहकर उसने दो मुंह में रख ली। बाकी जो दो बची थी, हेमंत और अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उदरस्त किया, मतलब हम दोनों ने पेट में डाल ली। इस प्रकार कैलाश ने अच्छी आइडिया दे दी। अब आगे क्या होता है देखिए। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया, उसमें केवल हमारी ही चीजें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई, उसे कहा, क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। बाद में रामानुज मिठाई मांगने आए। लेखक बोले, चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, तो आपकी मिठाई से ही काम चलाना पड़ा। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता, ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। साग लेने के लिए चक्रवर्ती आया तो लाचारी दिखाई, भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने खाया। रमा पराठे को पूछ रही थी, विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गया, बड़े पहुंचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती, घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। फिर रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में तो विश्वास नहीं रखती। फिर विमला बोली, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता, मैंने पराठे तुम्हारे और से उसे दिए हैं, तुम्हारे घर का पता भी बता दिया है, झूठ समझो या सच समझो, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए तुम्हें आशीष देगा, यानी आशीर्वाद देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। लेखक कहते हैं, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं, अब मेरे घर के पास कोई भी नहीं भटकता। इस प्रकार लेखक इस परेशानी से छुटकारा पाते हैं।